दो माह हो गए थे हमारे जो टर्मिनल है लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से बंद हो गए थे। तो दो माह से मैं बेरोज़गार था, तो बड़ी परेशानी का आलम था। बच्चों के साथ मकान का किराया भी देना था, तो इस पर मैंने ये टीवी पे देखा आपका जो एहसास प्रोग्राम था उसका, तो फिर मैंने उसको ट्राई किया और रजिस्ट्रेशन वगैरह कराई और मुझे ऐसा मैसेज आ गया और आज मुझे 12,000। रजिस्ट्रेशन कैसे करवाई, खुद की आपने? जी खुद मैंने अपने मोबाइल से। अच्छा, इकॉनमी खोल रहे हैं अब तो सारा कारोबार फिर से शुरू हो जाएगा, बल्कि अब ईद के बाद पूरी तरह इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा। ये मैंने साथ एमरजेंसी प्रोग्राम देखा, मैंने यहाँ पे मैसेज किया, मुझे कॉल आई, अब मैसेज आया यहाँ पे मैं रकम लेने आया। मैं कैसे वो भरा, कैसे? मोबाइल से अपना आईडी कार्ड नंबर, जी आईडी कार्ड नंबर पहले किया था, उसके बाद फिर वेबसाइट पर कंप्यूटर पर किया। तो अल्लाह पाक के करम से और आपकी मेहरबानी से मैं आज ये रकम लेने, इमदाद रकम लेने आया हूँ। तो मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान का नायब ममनून मशकूर हूँ जिन्होंने गरीब आवाम का साथ दिया। बैरागिरी करता था सर। और वो बंद हो गया? वो बंद हो गया, बस हो गया से बस। ये ज़्यादा ये रेस्टोरेंट्स के अंदर बड़ा ये हुआ होगा। अच्छा, इंशाल्लाह ये खुल देगा, आहिस्ता आहिस्ता जब खुल जाएगा ना तो लोगों को रोज़गार मिल जाएगा इंशाल्लाह। सिलाई वगैरह करती थी लेकिन दो माह से बिल्कुल काम नहीं था। और मेरी मियाँ का भी मतलब ज़मीन भी, मियाँ क्या करते हैं? मियाँ मतलब वो है मनियारी का काम करते हैं, ये बच्चों ज्वेलरी वगैरह। अच्छा, ठीक है, लगाते हैं जी। ज़मीन पे ही मतलब जगह भी नहीं उनके पास कुछ, टेंच पार्टा में जी हम रहते हैं।